हेलो भाई लोगों, मैं हूँ विशाल और आज हम यहाँ पर कुछ बनाने वाले हैं नया, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आज हम यहाँ पर ग्राइंडर मशीन को कटर मशीन के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। ये जो मशीन है आपके ऑल इन वन बन सकती है, इसे आप कटिंग का भी काम कर सकते हो, ग्राइंडिंग का भी काम कर सकते हो। चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर और देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो भाइयों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक मोटी लोहे की का यूज़ करने वाला हूँ। ये आपको हार्डवेयर की शॉप पर इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक पीस कट करूँगा इसका, और इसकी जो साइज है आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसका आप फॉलो कर सकते हो या फिर अपने अनुसार भी बना सकते हो। फाइनली गाइस, हमारी शीट यहाँ पर कट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको बिल्कुल सीधा कट करना है। अब यहाँ पर मैं लोहे का एक एंगल यूज़ करूँगा, ये मैंने कबाड़े के अंदर से लिया है, और यहाँ पर मैं इसकी साइज कट कर लूँगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और भाई, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सारे के सारे चीज़ें, मैं वेस्टेज लेके आया हूँ, और आप वेस्टेज यूज़ करोगे तो काफ़ी कम रेट के अंदर आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर इस एंगल को कट कर लेंगे। फाइनली गाइस, हमारा एंगल यहाँ पर कट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके जो किनारे हैं उनको लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से कट करना है। आप वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फाइनली गाइस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे ग्राइंडर के अंदर जो पत्ता है उसको चेंज करेंगे और यहाँ पर इसकी घिसाई कर देंगे। इसके ऊपर काफ़ी जंग लगी हुई है तो यहाँ पर इसकी जंग सारी हटा देंगे। तो भाइयों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसके कोने कट कर दिए हैं, और एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। ये एक डिज़ाइन के लिए, और अगर आप नहीं कट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पर हमारे मड गार्ड जो है हमारे एंगल ग्राइंडर की, वैसे गाइस जिसे मड गार्ड नहीं बोलते हैं, ये हमारे सेफ्टी के लिए लगा होता है, जिससे हमारी चिंगारियाँ आँखों पर ना उछले या फिर कोई ब्लेड कट के हमारे हाथ पाँव पर ना लग जाए। तो यहाँ पर इसको लेंगे और इसकी मार्किंग लगाकर इसका एक राउंड सर्किल कट कर लेंगे। फाइनली यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है, और यहाँ पर चार होल भी कर लिए ताकि हमारी जो मड गार्ड है इस मड गार्ड को यहाँ पर लगा सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्क्रू के लिए भी एक कट लगाया था। अब इसी टाइप के होल जो है हम हमारे जो मड गार्ड उसके ऊपर भी लगा देंगे। फाइनली यहाँ पर होल हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से रखेंगे और स्क्रू लेंगे हम, स्क्रू लगा कर इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रू जो है हमें ज़्यादा लंबे नहीं लेने, वरना हमारे जो ब्लेड है उसके अंदर टच हो सकते हैं और ब्लेड को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आधा सेंटीमीटर के, आधा इंच के यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा आधा, तो यहाँ पर हम इसको स्क्रू के द्वारा अच्छे से टाइट कर देंगे। और कम से कम यहाँ पर चार तो लगाना ही है हमें, कम लगाए तो हमारा जो ग्राइंडर का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। फाइनली अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमारे जो थल बनाया था हमने नीचे की साइड में शीट कट करी थी, उसको इस टाइप से रखकर ठोकना होगा और आगे और पीछे से थोड़ा ऊपर की साइड में मोड़ देना होगा। इससे होगा क्या कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड कट कर रहे हैं तो वो हमारा बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कहीं टच होकर रुक ना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ से मैंने हल्का हल्का इसको मोड़ दिया है ऊपर की साइड में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इस टाइप का मैंने पीस कट किया है हमारे एंगल के अंदर से, और ये देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर कब्जा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसे देसी भाषा में कब्जा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये कब्जा मैंने कट कर लिया है हमारे एंगल की साइज का, और यहाँ पर इसको इस टाइप से रखूँगा और इस टाइप से यहाँ पर रखूँगा और यहाँ पर इसको वेल्ड कर दूँगा। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि विशाल भाई आप कौन सी वेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हो, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी वेल्डिंग मशीन्स पड़ी हुई है, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट मशीन है ईसाब कंपनी की एक्सपर्ट वेल्ड 200, और ये जो एक छोटी सी मशीन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है, और इसी का मैं हर बार यूज़ भी करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ग्लव्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ग्लव्स भी ईसाब कंपनी के ही है, और मेरे पास जो हेलमेट है वो भी ईसाब कंपनी का ही है, तो मैं इसी कंपनी का यूज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए वेल्डिंग मशीन, तो काफ़ी कम रेट में मिल जाएगी आपको।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, हमारे एंगल ग्राइंडर को इस टाइप से लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जो ब्लेड है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे उसको भी लगा देंगे अच्छी तरीके से। अब लगाने के बाद हमारे जो थल है इस थल के ऊपर इस टाइप से रखेंगे और यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा सेट कर देंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर इसकी मार्किंग लगा देंगे हम। तो भाइयों यहाँ पर इसको वेल्डिंग करने से पहले मैंने क्या करा है कि नीचे से कट कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा था ये और मुझे प्रॉब्लम दे रहा था तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर इसको वेल्डिंग कर देंगे, और आप वेल्डिंग करो तो उस टाइम पर ध्यान रखना आपको ग्लव्स भी यूज़ करने हैं वरना हाथ जल सकते हैं, और आँखों में चश्मा लगाना है वरना आँखें ख़राब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। फाइनली यहाँ पर ये वेल्डिंग हो चुका है, पीछे की साइड से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर घिस दिया इसको। अब यहाँ पर क्या है कि मुझे इस टाइप का एक लोहे का टुकड़ा चाहिए जो कि मैंने आप वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसको इस टाइप से वेल्डिंग कर दूंगा। यहाँ पर क्या है कि हमारा ये एडजस्टेबल होना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्क्रू कसूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको वेल्डिंग करने के बाद में घिस दिया और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब ये थोड़ा डिज़ाइन टाइप का भी हो चुका है और लग भी काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पर, जैसे मार्केट से लाते उसी टाइप का। अब यहाँ पर मैंने जो मोटी लोहे की शीट कट करी थी उसी के अंदर से 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक लंबी पट्टी कट कर ली है। अब नीचे की साइड से इसको मैं एल आकार में मोड़ दूंगा और ऊपर की साइड में इसको थोड़ा हाफ राउंड में कर दूंगा। और भाइयों अगर आप वीडियो को देख रहे हो और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर देना यार भाइयों, ठीक है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो वहाँ वहाँ से देखी जा रही है। तो अपना जगह का नाम बता देना और अपना नाम भी बता देना, ठीक है। फाइनली गाइस अब यहाँ पर जो पत्ती है इस पत्ती के ऊपर मैं एक कट लगाऊंगा ताकि यहाँ पर हमारा जो स्क्रू है ऊपर नीचे मूवमेंट कर सके। तो ये जो हमने कट लगाया आधा सेंटीमीटर का है हमारा, आप देख सकते हो एक अंदाजे से लगाया मैंने, कोई ऐसा नाप नहीं लगा रखा क्योंकि हमारा जुगाड़ जो होता है वो सारा का सारा अंदाजे से चलता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस टाइप से वेल्डिंग हो जाएगा, और वेल्डिंग कर दिया है मैंने। और वेल्डिंग का मैं आपको बार बार शॉट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी आँखें ख़राब हो सकती है, तो मैंने इस शॉट को कट कर दिया है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि अगर आप ज़्यादा वेल्डिंग को देखोगे तो बिना चश्मे के तो आपकी आंखें भी ख़राब हो सकती है, तो मैंने इस वेल्डिंग वाले शॉट को मैं कट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक स्क्रू लिया है उसको होल करके थ्रेड से डाल दिए, यहाँ पर हम स्क्रू कस देंगे। इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर अगर हमें जिस पोजिशन में इसको सेट करना है वहाँ पर इसको सेट करके स्क्रू को टाइट कर देंगे। फाइनली यहाँ पर हमारी जो ग्राइंडर है उसको मैंने लगा दिया इस टाइप से, और लगाने के बाद अब यहाँ पर नीचे की साइड में हमें कट लगाना होगा ताकि हमारा जो ब्लेड है वो नीचे की साइड में निकल सके। तो यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। फाइनली यहाँ पर हमारा कट हो चुका है, और फाइनली ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब कलर कर देंगे, और कलर करने के बाद में हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप इसके अंदर और भी काम कर सकते हो, इसके हैंडल भी लगा सकते हो, अपने अनुसार लगा सकते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या क्या लगा सकते हो इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने एक सिंपल सा बनाया ताकि हर कोई बंदा बना सके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता कोई किसी से बनता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई सा भी इसके अंदर ग्राइंडर यूज़ कर सकते हो, और देख सकते हो आप कोई से भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीले वाला यूज़ करूँगा जो पुराना वाला यूज़ कर रहे थे हम, और यहाँ पर आप देखते हो इसको इस टाइप से फिट करने के बाद में हम यहाँ पर हमारा जो ब्लेड है इसको बाहर की साइड में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने बनाते समय एक मिस्टेक कर दी है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे लास्ट में दिखाने वाला हूँ क्या मिस्टेक कर दी है, वो मिस्टेक आप बनाओ तो उस टाइम पर मत करना, ठीक है। तो आगे मैं मिस्टेक बता दूंगा आपको। तो भाई अब यहाँ पर इसको हम यूज़ करके देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लोहे की शीट जो है उसके ऊपर चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा सेट कर दिया, यहाँ पर सिकंजे से दबा दिया इसको, और यहाँ पर हम इसको हम स्टाप से रख कर चलाएंगे। तो सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे, आँखें यहाँ पर ख़राब हो सकती है, इसकी चिंगारियाँ निकल सकती है, तो हम यहाँ पर हेलमेट जो उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको चालू करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक पट्टिया लगा दी थी पीछे की साइड में जिससे किनारे बिल्कुल सीधी है, और यहाँ पर ये इससे यहाँ पर टच हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप से चलेगा ना तो यहाँ पर ये टच होकर चलेगा, जो यहाँ पर इसका ब्लेड है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, और हमारा जो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा कट करेगा। भाई इसके अंदर आप कुछ भी कट करवा सकते हो, जैसे आप मान लीजिए हमें पत्थर कट करना है तो यहाँ पर इस टाइप का ब्लेड जो है वो लग जाएगा, यहाँ पर पत्थर कट हो जाएगा। उसके बाद अगर लकड़ी कट करनी है तो यहाँ पर लकड़ी कट करने का हमारा लग जाएगा इसके अंदर इस टाइप से, और यहाँ पर लकड़ी भी कट कर सकते हैं। आप इसके अंदर कांच काटने वाला जो होता है वो भी लगा सकते
सकते हो और यहाँ पर कांच भी कट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो आप जो चाहो इसके अंदर कट कर सकते हो। भाई यहाँ पर ये पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कमी रह गई है, वो आपको सुधारना है, ठीक है। तो कमी क्या रहेगी, यहाँ पर आप आइए पास में और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो साइज है इसकी, ये काफ़ी बड़ी साइज रहेगी, जिसके कारण यहाँ से काफ़ी ऊपर उठा हुआ है, जिससे हमारा जो ब्लेड है नीचे की साइड में कम निकल रहा है। इसको हमें ज़्यादा निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो चीज़ दिखी हुई है, यहाँ पर इसको बिल्कुल इतना कट कर देंगे यहाँ पर। तो ये जितना नीचे की साइड में रहेगा ना, उतना ज़्यादा की साइड में ये बाहर की साइड में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे की साइड में निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये कमी मैं निकाल दूंगा इसकी, यहाँ पर मैं इसको कट करके वापस से वेल्ड कर दूंगा। यहाँ पर आप बनाओ, उस टाइम पर ध्यान रखना है कि ये जो कब्जा लगाया है, यहाँ से इसको कट करना है बिल्कुल नीचे से, और ये जितना नीचे की साइड में रहेगा उतना ज़्यादा की बाहर की साइड में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सुधार दूंगा और आप भी बनाओ तो आपको ध्यान रखना है। और भाई यहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे मिस्त्री भाई, कि इसको डायरेक्टली स्टाइप से लगा देते हैं और डायरेक्टली ग्राइंडर से कट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लेड होता है, इसके अंदर देख सकते हो इतने बड़े बड़े टीथ है जो फंस जाते कहीं, और उसके बाद में ये झटका मार के ऊपर की साइड में आ जाता है, बहुत सारे हाथ कट जाते हैं इससे। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको नहीं लगाना है इसके अंदर, ये जो आप जुगाड़ बना सकते हो, जुगाड़ लगाने के बाद लगाओगे तो इससे क्या होगा कि ये इसके प्लेटफॉर्म रहेगा, जिससे पकड़ के इसको ऊपर की साइड में झटका नहीं देगा। तो भाई आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ अच्छा सीखा हो आपने तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाए, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Bye, everybody.